टॉपिक ये हमारा सिक्योरिटी लॉगिंग का दूसरा पार्ट है। तो जो हम ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज जो, तो ये फेसबुक सेटिंग्स के ऊपर है। तो इसके लिए पिछली वीडियो देख ले, यहाँ पर लॉगिन सिक्योरिटी सेटिंग पार्ट वन देखने के बाद ही ये ड्यूटी है। तो यहाँ पर फेसबुक ने नए नए सेटिंग्स अलाउ किए हैं, यहाँ पर आपको नए फीचर प्रोवाइड किए। तो जब हम लॉगिन करते हैं तब वो लॉगिन किस तरह सिक्योर होना चाहिए, तो इसके सेटिंग्स कौन कौन से यहाँ पर है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट वन देखने के बाद ही देखें। मैंने फेसबुक के ऊपर और भी वीडियो बना कर रखी है, तो वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर आपको ऐप पासवर्ड, जैसे मैंने कहा था कि ऐप क्या पासवर्ड क्या होता है यहाँ पर, तो ऐप पासवर्ड जो होता है यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग यहाँ पर ऐप पासवर्ड होता है। तो ऐप पासवर्ड के अंदर आप देख सकते हो कि जो भी हम फेसबुक का पासवर्ड रखेंगे यहाँ पर, तो लॉगिन कोड के अंदर चला जाएगा जो हम फेसबुक के लिए जो हम यूज़ करते हैं। तो आपको जनरेट करना होता है एप्लीकेशन पासवर्ड को। तो जनरेट किस तरह से करोगे, तो आपकी फेसबुक के एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड के अंदर आपका क्या होना चाहिए, ऐप होना चाहिए। तभी जो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं लॉगिन होती है। लॉगिन क्या होता है यहाँ पर, तो एक तरह का यहाँ पर पूरा ओपन हो है मेरा फेसबुक, तो आप कोई भी यहाँ पर मुझे डायरेक्टली यूज़ कर सकता है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो ऐप क्या होता है, ऐप पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइज लॉगिन, ये तीन ऑप्शन क्या होता है वो डायरेक्टली ओपन नहीं करने देगा आपके फेसबुक को। तो ये जनरेट ऐप पासवर्ड आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं क्लिक करता तो यहाँ पर देख सकते एक्सबॉक्स है, स्पोर्ट्स है, ये बहुत सारे यहाँ पर जैसे स्काइप है। तो जो भी आप नए अकाउंट के साथ कनेक्ट होते हो या तो फिर नए कोई एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होते हो, तो वो हमेशा आपको लॉगिन नहीं होने देगा, जिससे आप कोई भी यहाँ पर कोई एक्सेस करते हो, कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन है, यहाँ पर एक्सबॉक्स है, स्पोर्टी है, फिर यहाँ पर स्काइप है। तो आप जब भी हम सिक्योरली हम लॉगिन करना चाहते हैं किसी एप्लीकेशन के अंदर फेसबुक अकाउंट को यूज़ करके, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एंटर करना होता है यहाँ पर एप्लीकेशन फिजिकल स्पेसिफिक यहाँ पर पासवर्ड वन टाइप ऐड करना होता है। तो जब तक आप वो ऐड नहीं करोगे तब तक आप क्या करोगे, तब तक समझ नहीं पाओगे। तब तक आपको, तो आपको क्या करना है यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर आपको ऐड करना होगा पासवर्ड को। तो आपको पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन करना है, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम अगले नेक्स्ट सेटिंग्स के बारे में बात करें, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के, गेट अलर्ट अबाउट अनऑथोराइज लॉगिन। तो कोई भी ऐसा पर्सन होता है जो आपका कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहा, आपका मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा, अपने कंप्यूटर के थ्रू वो लॉगिन करना चाहता है हमारा फेसबुक अकाउंट, तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज भेज देगा कि कोई ऐसा आदमी है जो आपका फेसबुक यूज़ करना चाहता है या फेसबुक यूज़ कर रहा है। तो अनऑथोराइज लॉगिन क्या होता है कि एक तरह का आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपको बताता है कि ये आदमी जो है ये जगह से आपको क्या फेसबुक यूज़ करता है। तो उस फेसबुक को यूज़ करने से अच्छा है कि आपको ये सेटिंग जो होता है यहाँ पर, कि ये यहाँ पर अलर्ट करता है, आपको बताता है कि आपको नोटिफाई करता है कि आप कोई भी यहाँ पर यूज़ करते हो अकाउंट को, तो फिर आप कोई भी आप अकाउंट फ्रेंड्स के अंदर ऐड करते हो मोबाइल के अंदर, तो आपको अलर्ट करेगा, आपको बताएगा। तो किस तरह से बताएगा, तीन तरह के बताएगा, एक नोटिफिकेशन होता है, एक मैसेंजर होता है, टेक्स्ट मैसेज होता है। ओके, तो एक नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पहला करना ही होगा। तो ये फेसबुक नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे ही मैं आपको करता हूँ तो वो अलर्ट करेगा, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ पीसी। ओके, तो ये मेरा कंप्यूटर है, लेकिन मैं दूसरे कंप्यूटर के अंदर मैं यूज़ करूँगा तो सीधा मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर एक तरह का यहाँ पर आईडी आ चुका है यहाँ पर। तो ये क्या है, ये मेरा आईपी लिखा है यहाँ पर देख सकते हो। तो ये मैक आईपी एड्रेस होता है यहाँ पर। ओके, फिर आप देख सकते हो कि दूसरा यहाँ पर और सेटिंग्स है, यहाँ पर मैसेंजर लिखा है यहाँ पर, टेक्स्ट मैसेजेस। तो नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन मतलब गेट नोटिफिकेशन पर जैसे आप क्लिक करते हो, तो उसका मतलब है कि आपने नोटिफिकेशन जो आपको नोटिफाई करे को आपको बताया कि मुझे नोटिफिकेशन चाहिए, तो इस पर क्लिक करने से आपका स्टार्ट हो गया। लेकिन वो किस पर नोटिफाई करेगा, ये तो फेसबुक के ऊपर नोटिफाई करेगा,
फेसबुक नोटिफिकेशन जिसे हम बेल आइकॉन पर क्लिक करते हैं वो, लेकिन मुझे कम्प्लीटली हम मेरे मोबाइल के भी ऊपर ये कोई भी पीसी हो वो दूसरा पीसी हो वो अनऑथोराइज लॉगिन हुआ है या तो फिर मैंने उसको लॉगिन करने दिया है, तो किस तरह से हमें रुकना चाहिए हमें? तो यहाँ पर अलर्ट्स जो होता है वो अलग तरह का, यहाँ पर हमें रोकना है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, कोई भी दो ऑप्शन में से तीन ऑप्शन में कहूँगा ऑन ही कर दो, क्योंकि मैसेंजर आप यूज़ करते हैं मैसेंजर के ऊपर आपको नोटिफाई करेगा, नोटिफाई करने का मतलब एक मैसेज भेजेगा कि कोई जो है वो आपका अकाउंट यूज़ करना चाहता है, तो ये जो है आप नोटिफिकेशन दे सकते हो यहाँ पर, तो जैसे मैं पेज पर आ सकते हो यहाँ पर तो इस पर ही नोटिफिकेशन आएगा, ओके आपके फेसबुक के ऊपर नोटिफिकेशन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मैसेंजर सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आए, इसी तरह से आप दे सकते हो, तो मुझे केयर नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा, ओके फिर आपको चाहता है कि आप खुद चाहते हो कि मेरे कोई मोबाइल के ऊपर इस नंबर के ऊपर आए, तो इस मोबाइल नंबर के ऊपर भी मुझे मैसेज आना चाहिए कि किसी ने मुझे मेरे कंप्यूटर को या तो फिर मेरे फेसबुक अकाउंट को यूज़ करने की कोशिश की है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे तो टेक्स्ट मैसेज पर यहाँ पर क्लिक करूँगा और ऑन कर दूँगा, ओके ये तीनों ऑन हो चुके हैं यहाँ पर, और क्या करना है आपको सेव चेंजेस पर क्लिक करना है, जैसे सेव चेंजेस पर क्लिक करोगे तो ये तीनों तीनों यहाँ पर सेटिंग एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पर, और आपको एक नोटिफिकेशन भी मिलेगा कि आपका अकाउंट जो है नोटिफाई हो चुका है यहाँ पर, तो कोई भी मैसेजेस होता है यहाँ पर इससे आपको क्या पता चलता है, आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है, आपको एक जानकारी मिलती है कि किसी ने आपको यहाँ पर मिसयूज़ करने की कोशिश की है आपके अकाउंट को, तो जैसे मैं सेव चेंजेस पर क्लिक करूँगा तो एक पासवर्ड की तरफ ले जाएगा, तो मुझे मेरा अकाउंट का पासवर्ड देना होगा, तो मैं स्टार्ट करूँगा अपने अकाउंट को, ओके जैसे मैं स्टार्ट करूँ थोड़ा सा प्रोसेस शुरू हो चुके हैं यहाँ पर देख सकते हो, और हो चुका है यहाँ पर, मुझे नोटिफिकेशन भी मिल चुकी है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर, तो ये क्या होता है मेरा बहुत ही अच्छा फीचर से, तो मैं कहूँगा आप इसको स्टार्ट कर दे, ओके तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपने ऑन कर लिया यहाँ पर अलर्ट को, तो आप और ये लोग सेंड करेंगे जो जब भी कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो ऑटोमेटिक होता है यहाँ पर, ओके तो ऑटोमेटिकली मुझे सेंड कर देगा कि किसी पर्सन ने मेरा बिना पूछे मेरा मेरा कोई अकाउंट जो है यूज़ करने की कोशिश की है, फिर आपको कोई हेल्प चाहिए उनको टेक्निकली आपको बातचीत करनी है तो आप यहाँ से बातचीत कर सकते हो यहाँ पर, तो इनका हेल्प सेंटर है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर, तो ये किस तरह से काम करता है आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर, ओके तो कोई मैसेज करना है तो मैसेज कर सकते हो इसके हेल्प सेंटर, तो ये भी नया फीचर्स ऐड कर लिया है उन्होंने, पहले नहीं था इस तरह का, ओके फिर अब नेक्स्ट सेटिंग्स के बारे में बढ़ते हैं, चूज थ्री और फाइव फ्रेंड टू कॉन्टेक्ट इफ यू गेट लॉग इन आउट, तो कोई तीन या कोई फाइव फ्रेंड जो है आप लॉग आउट हो जाते हो तो वो आपको बात करे या तो फिर आपको कोई नोटिफिकेशन भेजे या तो फिर कोई फ्रेंड जो है आपको यहाँ पर कोई ट्रस्ट करते हो आप उसके ऊपर विश्वास करते हो तो इसको आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ओके इससे क्या होता है कि हम जब लॉग आउट हो जाते हैं तो कोई हम फ्रेंड जो है हम इसको नोटिफिकेशन भेजते हैं या तो फिर हम कोई भी यहाँ पर दे सकते हो कि कोई भी एक ऐसा फ्रेंड्स होता है हमारा जो हमारे हमें हमारे कंप्यूटर को यहाँ पर हमारे अकाउंट को क्या करता है ये एक्सेस करता है यहाँ पर, तो हमने एक्सेस दिया है जैसे हमने पहले उस वीडियो के अंदर बताया था, इसी वीडियो के अंदर मैंने सेटिंग्स को बताया था कि किसी फ्रेंड को आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर दूसरे अकाउंट के थ्रू, तो आपको किस तरह से यहाँ पर सेट करना है, तो जैसे तो यहाँ पर एक पहले यहाँ पर जैसे दे कि आप ट्रस्ट करते हो इसी फ्रेंड्स के ऊपर, आप किसी फ्रेंड्स के आप विश्वास करते हो तो सिक्योरिटी कोड जो है उसको देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, या तो भी फिर वो आपको सिक्योरिटी कोड या तो भी आपको पासवर्ड दे सकते हैं आप अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, तो एटलीस्ट यहाँ पर तीन और फाइव फ्रेंड्स आप ऐड कर सकते हो, तो चूज कॉन्टेक्ट पर क्लिक करना है यहाँ पर और फ्रेंड्स को क्या करना है यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पर उसका सरनेम और नेम ऐड करते जाना है, ओके तो कंफर्म पर क्लिक करोगे तो वो ऐड होता जाएगा, तो मैं कहूँगा कि ये चीज़ ना करें आप खुद ही आप अपने कंप्यूटर को आप खुद ही कंप्यूटर को यहाँ पर एक्सेस करें, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादातर हमारा जो कंप्यूटर बिगड़ जाता है तो हम दूसरे कंप्यूटर से भी हम क्या कर सकते हैं हैंडल कर सकते हैं, इंक्रिप्टेड नोटिफिकेशन ईमेल जो भी हमारे ईमेल आते हैं तो उसको इंक्रिप्टेड रखना है या नहीं रखना है, हाइड रखना है या नहीं रखना है,
वो इंक्रिप्ट क्या होता है कि जो भी हमारा ईमेल होता है, ईमेल आईडी के अंदर हमारा कोई नोटिफिकेशन आता है, जब हमें कुछ जानकारी हमें फेसबुक भेजता है, जैसे कि मैंने कहा था टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कोई लॉगिन होता है यहाँ पर, कोई फेसबुक का, कोई यहाँ पर कोई फ्रेंड्स है, तो यहाँ पर कोई एंटर करना है आपको, पब्लिक की यहाँ पर एंटर करनी है, तो इससे क्या होता है कि कोई भी डायरेक्टली आपका जीमेल अकाउंट भी ओपन करता है तो वो डायरेक्टली समझ नहीं पाएगा, वो पब्लिक की यहाँ पर पहले मांगेगा, तभी आपका ईमेल आईडी के अंदर फेसबुक का ईमेल जो है ओपन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे कोई ईमेल के ऊपर की रखनी है, जिससे कि हम पासवर्ड रखते किसी यहाँ पर अकाउंट के अंदर, उसी तरह से हम ईमेल के ऊपर भी हम अपना इंक्रिप्शन रखते हैं, तो कोई हैकर जो होता है हमारा ईमेल भले ही हैक कर लेता है, तो मेन जो हमारा पासवर्ड यूजर नेम जो होता है वो हैक नहीं कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि हमने इंक्रिप्ट करके रखा है। तो इंक्रिप्शन ज़्यादातर हमें बहुत सारे वर्ड्स के अंदर लिखना होता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये जो आप इंक्रिप्शन लिख रहे हो वो आपको याद रखना होगा, या तो भी मैं कहूँगा कि आप जैसे ही आप इंक्रिप्शन लिखते हो तो इसको कॉपी करके यहाँ पर पेज के अंदर सेव कर ले, फिर जब आप ईमेल के अंदर लॉगिन हो तो उस ईमेल को ओपन करने के लिए, या यहाँ पर जैसे तो नंबर भी लिख रहा हूँ यहाँ पर ऑटोमेटिक, और कैरेक्टर भी कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये क्या होती है, की बन चुकी है, पब्लिक की बन चुकी है यहाँ पर, तो कोई भी मेरा ईमेल आईडी डायरेक्टली ओपन कर भी लेता है तो वो कर नहीं सकता है। ओके, ईमेल को ओपन, तो यहाँ पर रिकवर एक्सटर्नल अकाउंट है, तो कोई दूसरा आपका आगे का कोई बाहर का कोई अकाउंट है, दूसरे कोई वेबसाइट के साथ, फेसबुक के साथ आपने एक्सेस करना है, तो आपको रिकवर करना, तो रिकवर भी कर सकते हो, तो वो एक्सटर्नल अकाउंट का यहाँ पर फैसिलिटीज देता है फेसबुक यहाँ पर, तो आपको सीधा आपको क्या ले जाएगा, वो ऐसी जगह पर दूसरे सर्वर पर ले जाएगा जो आपका वेबसाइट है, या तो कोई अदर सर्विसेज है, तो उसके ऊपर ले जाएगा। सेंड रिसेंटली ईमेल्स, तो किसी ने फेसबुक के ऊपर मेरे किसी ने ईमेल भेजा है या नहीं भेजा, तो ईमेल का भी यहाँ पर देख सकते हो, फेसबुक ने यहाँ पर मुझे सर्विस प्रोवाइड की है, तो ये भी नहीं था, कोई फैसिलिटीज नहीं थी, अभी नहीं एंटर हो चुकी है यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर, तो ये यहाँ पर फेसबुक भी ईमेल की यहाँ पर फैसिलिटीज दे रहा है, यहाँ पर ईमेल भेज रहा है तो ईमेल भी भेज सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो किसी ने भेजा है यहाँ पर मुझे ईमेल, नहीं भेजा है मुझे ईमेल, तो इस तरह से होता है यहाँ पर। ओके, तो ये देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो अभी तो हमने सिक्योरिटी एंड लॉगिन्स के ऊपर, उसके बाद हम सीखेंगे कि फेसबुक एंड इन्फॉर्मेशन, तो हमारा सिक्योरिटी एंड लॉगिन के बारे में पता चल गया आपको किस तरह से हमें सेटिंग करना होता है यहाँ पर। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये हमारे 3 सेटिंग्स के ऊपर है, तो हर एक सेटिंग्स जो यहाँ पर अलग अलग वीडियो होंगे यहाँ पर, तो जनरल सेटिंग्स के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर हमने समझा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इन फेसबुक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, यहाँ पर किस तरह की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सेटिंग्स होती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि फेसबुक इन्फॉर्मेशन क्या होती है। सी मेरे सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकॉन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउजर वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ये कंट्रोल पैनल की सीरीज की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन से सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है, तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर क्लिक करने से आपको चला तो नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।